आज का हमारा वीडियो बलूचिस्तान सीरीज का पहला हिस्सा है, जिसमें हम आपको बलूचिस्तान के जनूबी और शुमाली इलाकों में मौजूद सियाहती तारीखी मकामात की सैर, यहाँ के लजीज खानों से रोशनास कराएंगे। इसके अलावा यहाँ के तरक्याती प्रोजेक्ट्स इदारों के बारे में मालूमात देंगे, जो बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। हमारा ये वीडियो बलूचिस्तान के साहिली इलाकों के मुतल्लिक होगा, जिसमें हम आपको मकुरान कोस्टल हाईवे, मड वेलकेनो, हंगोल नेशनल पार्क, दरियाए हंगोल के पास मौजूद मोहम्मद बिन कासम के फौजियों की कब्र के मुतल्लिक मालूमात, नानी माता मंदिर की दर्शन और कुंड मलीर की सैर के अलावा प्रिंसेस ऑफ होप और बूजी टाइप और आखिर में ओरमाड़ा में गुरूब आफ्ताब का तजुर्बा आपके साथ शेयर करेंगे। प्लान के मुताबिक मैं एक दिन पहले क्वेटा से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जरिए कराची के लिए रवाना हुआ, ताकि दोस्तों के साथ मिलकर इस सफर पर रवाना हो सकूं। 48 सीटों वाली इस छोटे जहाज का नाम ATR-42 के नाम से जाना जाता है। निचली परवाज की वजह से रास्ते में आने वाले कस्बे देहात ऊपर से साफ दिखाई दे रहे थे। 1.5 घंटे में हम कराची पहुँच गए। एक लंबे और थका देने वाले सफर के बाद अगर आपको फ्रेश कॉफी बीन से बनी एक कप कॉफी मिल जाए तो आपको ताजा दम करने के लिए काफी है। अगर आप बलूचिस्तान में पहली दफा सफर कर रहे हैं तो सुबह सवेरे सफर पर रवाना हो जाएं। इसलिए अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठकर तैयार होने के बाद नाश्ता किया, ताकि तयशुदा वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे अपने सफर पर रवाना हो सकें। सुबह 6 बजे के बजाय हम लोग 7 बजे कराची से बलूचिस्तान के लिए रवाना हुए। हब शहर कौमी शाहरा N25 के जरिए हम बलूचिस्तान में दाखिल हुए। ये अहम शाहरा कराची को क्वेटा और अफगानिस्तान से मिलाती है। हब बलूचिस्तान का इंडस्ट्रियल शहर है, जहां पाकिस्तान भर से लोग इन फैक्ट्रियों में काम करने आते हैं। दिन के वक्त यहाँ ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सुबह को कम ट्रैफिक की वजह से आप यहाँ से जल्दी से गुजर सकते हैं। कराची से 110 किलोमीटर सफर तय करने के बाद हम उत्थल 0 पॉइंट पर मकुरान कोस्टल हाईवे पर मुड़े। किलोमीटर तवील ये सड़क बहरा अरब के किनारे से होते हुए ग्वादर को कराची और बलूचिस्तान के दीगर शहरों से मिलाता है। इस अहम शाहरा की वजह से हफ्तों का सफर अब घंटों में तय हो जाती है। अपनी मुनफरिद खूबसूरती की वजह से ये शाहरा पूरी दुनिया में खास मकाम रखता है। चारों जानब नजर दौड़ाएं तो दूर तक बियाबान मैदान नजर आते हैं। सड़क के दोनों तरफ रेत के टीलों पर देवी के सरसब दरख्त एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। 0 पॉइंट से 1 घंटा और 85 किलोमीटर सफर तय करने के बाद हम लोग हंगोल नेशनल पार्क एरिया में दाखिल हुए। ये पार्क 19,000 हेक्टर पर मुश्तमिल है, जो कि 3 अजला लसबेला, आवारान और ग्वादर तक फैला हुआ है। इस पार्क में 50 से ज्यादा इकसाम के परिंदे पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पार्क कई इकसाम के नायाब जानवरों के लिए एक महफूज घर की हैसियत रखता है, क्योंकि यहाँ शिकार पर मुकम्मल पाबंदी है। मकुरान कोस्टल हाईवे पर 110 किलोमीटर सफर तय करने के बाद हम सपत की तरफ मुड़े। हमारा पहला मंजर चंद्रगुप्त के मड वेलकेनोस थे। अभी हम अपने पहले पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। आप ये सामने देख सकते हो चंद्रगुप्त अव्वल है, तो ये मड वेलकेनो इसकी तकरीबन हाइट है 300 मीटर है, और ये तकरीबन हम लोग कोस्टल हाईवे से हमें 6 किलोमीटर अंदर आए हुए हैं यहाँ पर पहुँचने में। आप नीचे देख सकते हैं अच्छे खासे यहाँ पे यात्री लोग आए हुए हैं। तो ये सामने अव्वल है, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये चंद्रगुप्त दोआम है। तो अभी हम ऊपर चढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर से आपको व्यू वगैरह दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जितने भी नानी माता के लिए यात्रा के लिए लोग आते हैं, तो ये दोनों यहाँ पर मड वेलकेनोज हैं, तो उनके ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ पर नारियल फेंकते हैं। वक्त इस टाइम तकरीबन 11 बजने वाले हैं, लेकिन सूरज की अब तपिश बहुत ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है मड वेलकेनो चंद्रगुप्त दोआम का ऊपर वाला हिस्सा है। तो इसको हमारे यहाँ पे लोकल बलोची जुबान में कहते हैं दरियाए छम, मतलब एक समंदर की आंख। तो ये आसपास समंदर के ये आपको मड वेलकेनोज मिलते हैं।
तो पाकिस्तान में इस वक्त 80 के करीब मड वेल्केनोज मौजूद हैं जो बलूचिस्तान के साहिली पट्टी और इसके आसपास के इलाकों में मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़ा मड वेल्केनो चंदरगुप्त है जिसका शुमार एशिया और दुनिया के बड़े मड वेल्केनोज में होता है। इसकी ऊंचाई 300 मीटर है। हिंगलाज मंदिर को आने वाले यात्रियों का पहला पड़ाव चंदरगुप्त ही होता है। हिंदू मजहब के मानने वालों का यकीन है कि ये शंकर देवता का आस्थाना है, इसलिए वो बड़ी तादाद में यहाँ का रुख करते हैं और चंदरगुप्त पर चढ़कर इसमें नारियल फेंकते हैं जो कि इनकी मजहबी रसूमात में मन्नतें पूरी करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यहाँ की मिट्टी को मुख्तलिफ जल्दी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बोलो शिव शंकर भगवान की, बोलो चंद्र कोप की, बोलो सदा शिव, बोलो इंगलाज मैया की। तो ये हम अभी चंद्रगुप्त वन के बिल्कुल हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पे पहले ये एक स्टेज बना हुआ है, यहाँ पे स्टेयर्स हैं चढ़ने के लिए, पहले ये जगह नहीं बना हुआ था। तो ये यात्रा के लोग आते हैं तो उनके सहूलत के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने बनाई। आप ऊपर देख सकते हो, ये आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा वाइट कलर में, बिल्कुल ये ऊपर ऊपर तक ये सीढ़ियाँ जा रही हैं। तो अभी कोशिश करते हैं जितने तक हम जा सकें, हमारे पास जितना टाइम है। अभी हम चढ़ के वापस जा रहे हैं तो अच्छा खासा थका देने वाला सफ़र था, लेकिन क्योंकि समंदर की साइड से वो हवा, जो ठंडी हवा आ रही थी और फिर पसीने की वजह से, तो बिल्कुल आपका वो अच्छा सा एक सुकून महसूस हो रहा था। ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे स्टेयर्स अभी बनाए हैं, तो और इसके साथ इन्होंने फेंसिंग भी किया हुआ है ताकि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो आसानी से इस ऊपर चढ़ सके। आपका क्या नाम है? अलावश। आपका कहाँ से ताल्लुक है? हिंदू को पूजा करेगा, हिंदू पूजा करेगा, कोपरा लेकर आएगा, अंदर फेंक दिया है। तो आप लोग कोपरा निकालते हो? हाँ, में है, ऊपर निकालेगा। ये क्या है आपके हाथ में? नारियल है। नारियल? हाँ। तो ये कहाँ से आपने वो? ऊपर से नहीं है। ये आके ये यहाँ पे वो फेंकते हैं तो फिर आप लोग निकालते हैं? ये निकालते हैं, हम इससे खरीद दिया है। इसे ये नजीर मामा से मिले, तो इनका ताल्लुक यहीं से है। तो ये आप देख सकते हैं इसने कुछ नारियल वहाँ से ऊपर से चंद्रगुप्त वहाँ पे जो लोग आते हैं जो ज्यारत के लिए जाते हैं यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी वाले, तो वो फेंकते हैं, तो ये यहाँ पे निकाल के इनको फिर दोबारा बेचते हैं। वैसे 150 का एक नारियल मिलता है तो ये दोबारा उसको 50 रुपये का बेच देते हैं। चंद्रगुप्त के बाद हम मकरार कोस्टल हाईवे के ज़रिए अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हुए। कराची से 230 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद हंगोल दरिया से बाएं जानिब अकोर के मकाम पर एक साइन बोर्ड आपको मोहम्मद बिन कासिम के सेवाइयों की कब्रों की निशानदेही करती है। तमाम कब्रें एक टीले के ऊपर वाक़ थे। 5 मिनट के पैदल सफ़र के बाद मैं इन कब्रों तक आसानी से पहुँच गया। मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम अमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम था और वो बनू उमैया के मशहूर सिपा हजाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में 1712 में सिंध को फतह करके हिंदुस्तान में इस्लाम को मुतारिफ करवाया। इस टाइम हम लोग हंगोल रिवर के बिल्कुल ये सामने देख सकते हैं, हंगोल रिवर के बिल्कुल साथ में एक टीले के ऊपर मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम के जो फौजियों की कब्रें मौजूद हैं, तो ये तकरीबन 25 से 30 कब्रें हैं। कुछ आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये छोटे उम्र के साइज़ के साइज से लग रहा है किसी बच्चे का, या छोटे उम्र के बच्चे का कब्र है। तो इसके बिल्कुल साथ में फिर बाकी ये 25 से ज़ायद कब्रें हैं। तो इस पर आप देख सकते हो ये रेतीला वाला पत्थर यूज़ हुआ हुआ है इसमें। फिर आप डिज़ाइनिंग आप देख सकते हो, बिल्कुल वो स्क्वायर्स बने हुए हैं और नीचे कुछ डिज़ाइनिंग है। ऊपर जो स्लैब जो रखे हुए हैं उस पर भी डिज़ाइन किया हुआ है। सामने वाला आप देख सकते हैं कब्र, उसके ऊपर भी इसी तरह का
डिज़ाइन किया गया है, लेकिन ये वक्त के साथ और मौसम के साथ ये पूरा इसका पत्थर है बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गया है। ये उस पर कोस्टल मकरान कोस्टल हाईवे से बिल्कुल ये सामने आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे आने में 5 मिनट लगे, इतना दूर नहीं है। और सामने ये जो रास्ता है ये आगे हिंगलाज माता की तरफ जाता है, तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पे दरिया के बिल्कुल साथ में बने हुए हैं। तो ये भी एक और उसी तरह का डिज़ाइन कब्र देख सकते हैं। ये सेम आप अगर हम बलूचिस्तान में बात करें तो भवानी के एरिया में सेम इसी तरह के कुछ कब्रों पे डिज़ाइन इस्तेमाल हुआ है। और उसके अलावा हनीदान जो दुर्रेजी के साइड पे जाते हो ग्रेव यार्ड है कब्रिस्तान है, तो उसमें थोड़ी से जो अशकाल है वो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर ये ज्योमेट्रिकल अशकाल आप देख सकते हैं पूरा इस्तेमाल किया गया है। ये तारीखी कब्रें हमारा कौमी वरसा है और इसकी देखभाल और मुरम्मत बहुत ज़रूरी है ताकि इन अहमियत के हामिल कब्रों को महफूज किया जा सके। इन तारीखी कब्रों की ज़ियारत के बाद हम लोग नानी माता की ज़ियारत के लिए रवाना हुए। आधे घंटे की मुसाफत के बाद हम लोग 1 बजे हिंगलाज माता पहुँचे। नानी माता का मंदिर एक पहाड़ी गार में मौजूद है। इसके बारे में दावा किया जाता है कि ये 2 लाख साल पुराना मंदिर है। इसके बनाने में इंसानी हाथ इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी मुकम्मल तौर पर कुदरती है। नानी मंदिर का शुमार दुनिया के बहुत ही पुराने मंदिरों में होता है। इसके अलावा इसी मकाम पर मजीद मंदिर मौजूद है जिनमें काली माता, गणेश देवा मंदिर, गुरु गोरखनाथ दानी मंदिर काबिले जिक्र है। हर साल अप्रैल के महीने में पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मकामात और इलाकों से हिंदू जायरी नानी मंदिर आते हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से भी अकलियतें बड़ी तादाद में यहाँ मुकद्दस मकामात की हाजिरी देने और मजहबी रसूमात अदायगी के लिए आते हैं। जिस वक्त हम लोग मंदिर पहुंचे इस वक्त हिंगलाज माता मंदिर में हिंदुओं के मुकद्दस अयाम नवरात्रि की पूजा का सिलसिला जारी था। हर साल इन अयाम में हजारों यात्री हिंगलाज माता के मंदिर पर 9 दिन तक क्याम करते हैं, जिसकी वजह से यहां एक मेला लग जाता है। आप कहाँ से हो? सेवन शरीफ से। इधर क्या करने आए हो? धागा बेचने आए हो। धागा ये कहाँ से लेकर आए हो? धागा ये सेवन से लेकर आए। तो ये किस लिए बांधते हैं इसको? ये पर हिंदू लोग बनता है भाई। रक्षा के भोलेनाथ का आरती में बजाते हैं। अच्छा हिंगलाज माता के दर्शन के बाद हम लोग कुंड मरीर में 2:30 बजे दिन का खाना खाया। खाना सादा और मज़ेदार था। खाना खाने के बाद हम अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हुए। आप जितना जल्दी में हो सफ़ेद रेत पर नीला पानी मौजे मारता समंदर का खूबसूरत नज़ारा
आपको मजबूर कर देता है कि आप यहाँ कुछ लम्हों के लिए अपनी गाड़ी से उतरकर खूबसूरत मंजर से लुत्फानंदोज हो जाएं। कुंडमली बीच का पहाड़ी से नज़ारा इंतहाई खूबसूरत था। यहाँ सयाहों की सहूलत के लिए गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान एक रिजॉर्ट तामीर करवा रही है, जहाँ से आप इस खूबसूरत साहिल का नज़ारा कर सकते हैं। कुंडमलीर के साथ ही माहीगीरों की छोटी सी बस्ती है जो कि पहाड़ी पर आबाद हैं। कुंडमलीर का शुमार बलोचिस्तान के खूबसूरत सियाहती मकामात में किया जाता है। 2018 में कुंडमलीर को एशिया के 50 खूबसूरत तरीन साहिलों में शामिल किया गया था। ये दर्जा बंदी सियाहत और फोटोग्राफी के लिहाज से की गई थी। कुंडमलीर के बाद पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है। मकुरान कोस्टल हाईवे समंदर के साथ साथ बनाई गई है। सड़क किनारे मौजूद खूबसूरत बीच इस सफर को मजीद दिलचस्प बना देते हैं। कुंडमलीर से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर कुदरत का एक तख्लीक सियाहों के लिए बायस दिलचस्पी है। मिट्टी के अनोखे बनावट वाले पहाड़ हैं, जिन्हें गुज़िश्ता कई सदियों के दौरान वहां से गुजरने वाली हवाओं ने कुछ यूं तराशा है कि जैसे वो किसी माहिर संग तराश का फन पा रहा हूं। कहीं इनमें मिस्र के मशहूर अबुल हौल की झलक साफ दिखाई देती है और कहीं किसी कदीम किले के फसील का मंजर पेश करती हैं। इन्हीं पहाड़ों के दरमियान एक टीले को प्रिंसेस ऑफ होप या उम्मीद की शहजादी का नाम दिया गया है। मिट्टी का ये टीला दूर से ऐसा नजर आता है जैसे किसी शहजादी ने फराक और सर पर ताज पहन रखा है। हॉलीवुड के नामवर अदाकारा एंजेलिना जोली ने वीराने में इस पुरेसरार मूरत को प्रिंसेस ऑफ होप का नाम देकर इसे आलमी शोहरत बख्श दी है। इस टाइम हम इस कोस्टल हाईवे के एक खूबसूरत जो प्रिंसेस ऑफ होप के बिल्कुल साथ में खड़े हैं। तकरीबन यहाँ से 400-500 मीटर के फासले पे होगा। ये बड़ा खूबसूरत सा टूरिस्ट स्पॉट भी है। लोग आते हैं इसके साथ, यहाँ से पिक्चर खींचते हैं और आप देख सकते हैं सराउंडिंग में जो माउंटेंस का स्ट्रक्चर है वो कितनी खूबसूरत सी है, बड़ी यूनिक सी है। तो इस तरह की लैंडस्केप बहुत दुनिया में आपको कुछ जगहों, बहुत कम जगहों पे मिलती है। थोड़ी देर फोटोग्राफी के बाद हम अपनी अगली मंजिल बूजीटॉप की तरफ रवाना हुए। जूं जूं हम आगे बढ़ रहे थे, सुनहरी रंग के बुलंदो बाला नोकीली चट्टानें फलक बोस मीनारों की तरह नजर आ रही थी। थोड़ी देर मुसाफत के बाद आप बूजीटॉप के एरिया में पहुंच जाते हैं। बुज बलोची जुबान में बकरी को कहा जाता है और टॉप ऊंचाई को कहा जाता है, जिसका मतलब है बकरियों वाली चढ़ाई। यहाँ आकर ये पहाड़ी सिलसिला अपनी साख्त, हैबत और बिनावट और हुसन और दिलचस्प की वजह से सख्त पुरकशिश नजर आता है। ये खूबसूरत और दिलचस्प डिजाइनों पर मुश्तमिल पहाड़ी लाखों साल समंदर में रहने के बाद जब खुश्की का हिस्सा बन गए तो अपनी मुनफरद बिनावट की वजह से इंसान को हैरत में डालने के लिए काफी है, क्योंकि समंदर ने इन पर ऐसी खूबसूरत काशिकारी और डिजाइनिंग की है कि इंसान अल्लाह की इस कुदरत को देखकर हैरान और शशदर रह जाता है। ये तवील अरसे तक समंदर में रहने की वजह से इस तरह बन चुके हैं कि देखने पर लगता है कि ये वसी रकबे पर फैले हुए हसीन और खूबसूरत इमारतें और महल थे। इनमें किलों, महलों के आसार साफ नजर आते हैं। आज का हमारा जो पूरा दिन का एक खूबसूरत इख्तिताम हो रहा है और हमारा बीच पे आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे बड़ा खूबसूरत व्यू है सनसेट का है। सनसेट और सेट, समंदर की लहरें और खुशगवार हवा के झोंके, पूरे दिन की हमारी थकावट को वो कुछ लम्हों में ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो ये एक हमारा नया दोस्त है